शुक्रवार को ग्राम बरखेड़ा में ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर पुलिया बनाने के लिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक 25 वर्ष पुरानी पुलिया में से बारिश का पानी निकलता है, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण ग्रामीणों सहित अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच फूलाबाई मोहर सिंह, ज्ञान सिंह, मचल सिंह ने बताया कि गांव की क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण माध्यमिक स्कूल सरकंडी और कलरियाई में शिक्षक और विद्यार्थी नहीं पहुंच पाते हैं। अधिकांश बारिश में इस पुलिया से ऊपर पानी हो जाता है, इस कारण कई दिन तक आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। इन दिनों यहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे पुलिया की मरम्मत कर खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि पुलिया के नवनिर्माण की जरूरत है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी भी दी है कि अगर 20 अगस्त तक समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। सेवाओं को लेकर ज्ञापन दिया पुलिया के समस्या के क्षतिग्रस्त है पुलिया, पुल ऊंचा बनना चाहिए और बच्चे भी पढ़ने नहीं जाते हैं, नदी चढ़ जाती है, 4 महीना निकल नहीं पाती और एक ट्रैक्टर भी कलर बरवाई को पलट गया नदी में गिर गया अंसारी का। आपका नाम क्या है? हमारा नाम ज्ञान सिंह। आप क्या चाहते हैं? पुल चाहते हैं ऊंचा। अच्छा ठीक है। हम ग्राम बरखेड़ा के कांकर पंचायत के रहने वाले, हमारा कहना जी है कि हम पुल की रिफाइन नहीं करन देंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारा पुल ऊंचा बनना चाहिए। मास्टर 3-3 महीना हमारी स्कूल की ड्यूटी पे नहीं जाए, आप अपनी जगह पर सोते हो। मास्टरों को भी आपको शिकायत करना चाहिए। अच्छा, इसीलिए हम तहसील में ज्ञापन देवे आए हैं। नाम क्या है? मेरा नाम परमा बरेठा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।